यशयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यशयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो, दमिश्क तो अब नगर न रहेगा, वह खंडर ही खंडर हो जाएगा। अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई स्थान बनेंगे, पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला न होगा। एप्रेम के गढ़वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में न रहेंगे, और जो दशा इसराइलियों के विभव की हुई वहां उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। और उस समय याकूब का विभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी, और यह ऐसा होगा जैसा लवने वाला अनाज काटकर बालों को अपने अंकबार में समेट लाए हो, वा रपाइम नाम तराई में कोई सिला बिनता हो, तो भी जैसा जलपाई वृक्ष के झाड़ते समय कुछ कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात फुनगी पर दो तीन फल और फलवंत डालियों में कहीं चार कहीं पांच फल रह जाते हैं, वैसा ही उनमें सिला बिनाई होगी। इसराइल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इसराइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी, और वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा और न अपनी बनाई हुई अशेरा नाम मूर्तों व सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़वाले नगर घने वन के और पहाड़ों की चोटियों के उन निर्जन स्थानों के समान होंगे जो इसराइलियों के डर के मारे छोड़ दिए गए थे, और वे उजाड़ पड़े रहेंगे, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण तू मन भावने पौधे लगाता और विदेशी कलम जमाता है। रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधता है और बिहान को फूल खिलने लगते हैं, परंतु संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नाश हो जाएगा। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है, जो समुद्र की लहरों की नाई गरजते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का कैसा क्रोध हो रहा है, जो प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल की नाई आ पड़ेंगे, परंतु वह उनको घुड़केगा, तब वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूली बवंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। सांझ को तो देखो घबराहट है, और भोर से पहले वे लोप हो जाती है। हमारे धन के नाश करने वालों का भाग और हमारे लूटने वालों की यही दशा होगी।